नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में स्थित है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वैसे तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, काफी सारे एक्रेडिटेशन मिले हुए हैं, यूनिवर्सिटी के पास काफी अप्रूवल्स भी हैं, बट यह मुद्दा ये नहीं है कि क्या अप्रूवल्स हैं। हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचे हैं उनकी वेरिफिकेशन आप कैसे कराएंगे, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसी के बारे में बताऊंगा अपने इस वीडियो में। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में जो स्थित यूनिवर्सिटी है वैसे तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, काफी सारे अप्रूवल्स हैं, यूनिवर्सिटी के पास नेक एक्रेडिटेशन है, मतलब कि B++ यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, ISO सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है, नंबर वन स्टेट यूनिवर्सिटी इन UP का ये दावा करते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप जाओगे ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी के पास कई सारे अप्रूवल्स हैं, आप अगर यूनिवर्सिटी साइट पर जाओगे, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स भी काफी सारे होंगे ही। दोस्तों बात यह है कि आप में से कई स्टूडेंट्स ने जो हमें कमेंट किया है या व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो हमें कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि सर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो भी कोई स्टूडेंट ने रेगुलर स्टडी की होगी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, 3 साल 5 साल अगर वो वहां पर रहा होगा, रहकर उसने पूरा कोर्स कंप्लीट किया होगा, उसके दिल में कभी क्वेश्चन नहीं आता कि क्या मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना चाहिए। ये क्वेश्चन उनके दिल में आता है जिन्होंने किसी भी तरह शॉर्टकट से अपनी डिग्रीज ली हैं या शॉर्टकट से अपनी मार्कशीट्स ली हैं, किसी भी जुगाड़ से डॉक्यूमेंट लिए हैं, उनके दिल में ये सवाल जरूर आता है। और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया और जिन्होंने हमसे हेल्प मांगी हम उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं। हमने उनको भी वही एडवाइस की सबसे पहले कि आप RTI के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, अगर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है तो रिप्लाई भी जरूर करेगी, RTI लगाएं और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, और यही सबसे ज्यादा एक ट्रस्टफुल तरीका हो सकता है जिससे कि आप बहुत ज्यादा ट्रस्टी हो सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ऑथेंटिक हैं। दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास हालांकि देखो अप्रूवल्स का यह बात नहीं है, उसके ऊपर तो हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, अगर आप चाहेंगे कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी दें उस पर एक वीडियो बन जाएगी, पर आज का मुद्दा सिर्फ यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लिए वो कितने क्रेडिबल है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, आपने जब फ्यूचर में लगाओगे कहीं पर भी तो वो डॉक्यूमेंट चलेंगे या नहीं, किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स लिए। दोस्तों आपने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से किसी भी कंसल्टेंट या किसी के भी झांसे में आकर अगर आप डॉक्यूमेंट गलत तरीके से लिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जरूर करवा लें पहले एक बार, ताकि पता चल सके आपको कि कितना इसके अंदर कितनी सिक्योरिटी है कि डॉक्यूमेंट आपके कितने जेन्युइन है। कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने RTI लगाई, हम लोगों ने जो RTI लगाने के बाद में उसका रिजल्ट देखा, ज्यादातर वो नेगेटिव आया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट किसने दिए क्यों दिए वो तो बात की एक बात होती है, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का पूरा एक वे बन जाता है। बट उससे पहले आपको बताएंगे कहीं आप किसी जॉब में लगा दो, गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट जॉब में, बाद में आपकी कंपनी आपको निकाल दे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना हो डीवेरीफाई हो जाए उससे बेहतर है अपने डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करा लें किसी भी तरीके से, RTI खुद लगाएं, किसी वकील साहब से लगाएं या कि थर्ड पार्टी से लगवाएं या हमारी उसमें मदद लें, उस सब तरह से डॉक्यूमेंट्स आप अपने वेरीफाई करा सकते हो। बट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पर किसी भी तरह का शक करना गलत होगा। आप लोग क्वेश्चन हमसे पूछते हो कि सर क्या यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, यूनिवर्सिटी 100% जेन्युइन है, यूनिवर्सिटी के पास हर तरह के अप्रूवल्स हैं, बात क्वेश्चन मार्क आता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स कितने ऑथेंटिक है, उनका बस एक ही तरीका होगा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएं, ताकि कोई फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है उस प्रॉब्लम से आप लोग सबसे पहले बच सके। और आप अगर चाहते हो एक डिटेल वीडियो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बारे में या और किसी चीज के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उस पर हमें डिटेल वीडियो बनाए और आपको बता सके सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आप जैसे ही और भी कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों ने इस तरह डॉक्यूमेंट लिए होते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, परिजनों, परिवार में, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी अवेयर बना सके अपने आप को क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।